फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आपने अगर मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी भतीजी को लेके जा रही हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ उसके मुंडन के लिए। तो हम सब घर से निकल गए हैं और मुंडन के लिए आज जाने वाले हैं पटना के काली घाट, जहाँ जिसे दरभंगा हाउस भी बोलते हैं। काली घाट में काली माँ की मूर्ति है, वहाँ काली माँ की पूजा होती है और साथ में घाट भी, गंगा जी का घाट भी लगा हुआ है, तो इसलिए उसको काली घाट या दरभंगा हाउस कब भी बोलते हैं। तो हम लोग दरभंगा हाउस पहुँच गए हैं और यहाँ हम अपने गाड़ी से ना आकर ऑटो से आए हैं, बिकॉज यहाँ आने का जो अशोक राजपथ एरिया है वो वन वे है और अपने गाड़ी से आते हैं तो हमारी बड़ी गाड़ी है तो ट्रैफिक में जाम लगने की काफ़ी संभावना थी, इसलिए हमने सोचा कि ऑटो मतलब ऑटो राइड ही लेते हैं। फिर ऑटो से हम सब यहाँ पहुँचे हैं। हाय प्रिया। हाय प्रिया। हाय दी। फर्स्ट टाइम है? मेरा सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम कॉलेज में आई थी तब। गंगा जी तो बड़ी दूर चली गई हैं, गंगा जी तो बहुत दूर चली गई हैं। तो हम लोग घाट के किनारे आ गए हैं और उतरने के साथ हमें नाई बार्बर मतलब आप जो बोले हमें हम लोग नाई बोलते हैं वो हमें मिल गए थे। एंड उसके बाद यहाँ से जो भी मुंडन में हमें सामग्री चाहिए होती है, जैसे कि चंदन, हल्दी और दही था, पान के पत्ते, सुपारी, ये सब कुछ लेना था, वो सब लेकर अब हम जा रहे हैं मुंडन के लिए। बैठेंगे और सबसे पहले भाई भाभी बैठेंगे बाबू को लेके, वो लोग कुछ संकल्प वगैरह जो पंडित जी कराते हैं वह पहले होगा, तिलक होगा, उसके बाद मैं मुंडन में बैठूंगी, ताकि मुंडन में जैसे बुआ का रस्म होता है इसलिए तो मैं आई हूँ, बुआ का रस्म नहीं माने। तो बाबू के जो भी हेयर कट होंगे, जो पहले हेयर कट होंगे वो मैं अपने आँचल में लूँगी, देन बाकी के बाल का जो उसका होगा पूरा क्लियर मुंडन हो जाएगा। तो आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं कैसे दूसरा क्लिप बन रहा है। चालू कर दो। तो आपने देखा कि जो भी रिचुअल्स था हमने फॉलो किया और बाकी के बाल बाबू कट हो जाएंगे। और सबसे मतलब अच्छी बात हमें यहाँ ये लगी कि मैंने मोस्टली देखा है रील्स में ही, हमारे घर में तो ये फर्स्ट बेबी का मुंडन हो रहा है, तो मैंने देखा है कि सारे बच्चे मुंडन के टाइम बहुत ज़्यादा रोते हैं, किसी को कार्टून दिखाना होता है, किसी को चॉकलेट्स फिर खिलाओ ये मनाने के लिए, लेकिन ये हमारी आठवां अजूबा की तरह पूरी लग रही थी। इसको मम्मी ने अपने पॉकेट मिरर जो होता है पर्स में जो कैरी करती हैं उसे दे दिया था एंड ये मिरर में अपना शक्ल देख रही थी और पूरा अपना कंप्लीट मुंडन मिरर में देख के कराई है और बिल्कुल भी नहीं रोई, मतलब जो बिल्कुल हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि इसको थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है इसके साथ। हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर मोमेंट कर रही थी, जिससे कट लगने का डर था तो मैं उसको पकड़ रही थी फेस को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा उसको कट लग गया था, ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था, इतना तो खैर होते रहता है। और इसलिए सर पे जो दही हल्दी ये लपेटते हैं ताकि थोड़ी ठंडक रहेगी और कट वगैरह लग गया तो हल्दी जो होता है फिर होता है किसी भाव को। रोया नहीं, अच्छा बच्चा है पुरु। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो घाट जिसे बोलते हैं सीढ़ियों से उतरते ही गंगा नदी का पानी लगा हुआ था, बट अभी तो इतना दूर चली गई हैं कि हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ा बालू पे, फिर इतनी दूर आके तब हमने यहाँ नदी पे सबसे पहले बाबू को नहलाएंगे ताकि इसके जो भी बाल है वो भी निकल जाए, नहीं तो बहुत परेशान होगी। तो इतनी गर्मी हो रही है ना अभी शुरुआत में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बिहार में, तो इसको नहलाया जाएगा ताकि बॉडी से इसके बाल भी निकल जाए। देन उसके बाद मैं जो अपने आँचल में ली हूँ बाबू के बाल कटिंग का उसको प्रवाहित करूँगी और फिर घाट के पूजा यानी गंगा नदी की पूजा करेंगे।
ले आवा। अब पानी तन की ले आवा, छीट दो सब कोई पर, पकड़ लो पानी ले लो चुरुआ से, छीट दो सब। आगे जा पड़ जाए। और गैस मैं बता दूं कि मुझे भी आज साड़ी पहनने का बहुत मन हुआ कि आंचल में एक तो बाल लेना था और पता नहीं क्यों मुझे मंदिर जब भी जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है साड़ी वगैरह पहनना, लेकिन मैं पटना आ गई बिना साड़ी लिए ही, अपना साड़ी लेकर नहीं आई थी क्योंकि मुझे लगा भाभी और मम्मी के पास तो इतने सारे ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन मैं भूल गई थी कि ब्लाउज़ तो आना किसी का मुश्किल है। फिर मम्मी ने अपनी ब्लाउज़ मेरे नाप का सिल के मुझे दिया और थोड़ा सा मिसमैच लग रहा था बट मुझे लगा कंट्रास्ट और ट्रेंड में तो आजकल सब कुछ चलता है, तो फिर मैंने मम्मी का ही आज ड्रेस पहना, मतलब साड़ी ब्लाउज सब मम्मी का ही मैंने पहना है। तो गाइस आपको ये कैसा लग रहा है मम्मी का साड़ी मेरे ऊपर, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बंगे में तू अभी से तू ना कर रहा है वहाँ पे बहुत तू बड़ी साइड लगी लगी ना थोड़ा सा लगा साइड लगी लगे मगर उन्हें कचरे हल्का सा उन्हें बहके जाओ नहीं पकड़ तो मुझे वाह नहीं मुझे पकड़ तो मैं आओ दे आओ ना जाओ ना चलो नहीं चलो उन्हें मालवा जंपर मिला है इसने अरे ये पकड़ नहीं चाहिए ना ना चलो कबूतर आवाज़ नहीं आ रही ना चलो कबूतर ना नहीं पकड़ो चलो कबूतर लाने क्या करेगा बाय कहाँ ले जाओ वो कौन डाल दे पानी के बीच में एकवन रुपया दे दिया जाए भोले बाबा के दिया जाए 1100 ये कैसा एक कैसा रुपया जाए सब तो बाल चल गया बाबू का पहले उसको मछली चाहिए मछली चलिए। और हमारे पुरु का मुंडन आपने देखा कितने अच्छे से हो गया, उसने मुझे सगन भी दिया और अब हम चलते हैं काली माँ की मंदिर में पूजा करने और यहाँ हम सब काली माँ का पूजा करके उसके बाद लेंगे आज के दिन पे, क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन था, सप्तमी थी और सप्तमी का दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, ये तो सभी जानते हैं कि 9 दिन 9 दुर्गा रूपों की पूजा होती है, हर दिन अलग अलग माता को अलग अलग नाम के रूप में जाना जाता है। तोड़ तोड़ तोड़
तो यहाँ से हम पूजा संपन्न करने के बाद अब डायरेक्ट घर पे जाएंगे, बिकॉज मेरा जैसे 9 दिन का व्रत चल रहा था और बाकी सभी सुबह से भूखे थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसके कारण सबको बहुत पानी की तलब है और रेडी जल्दी से पानी पिए और इस दिन कुछ खाया जाए। तो अभी हम डायरेक्ट घर जाएंगे और फिर हमारे शाम को भी प्लानिंग है निकलने का, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगी कि हम शाम को कहाँ जाते हैं घूमने। और आज का वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी गाइज। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कुछ नहीं आ रहा टीवी पे, कुछ ऐसा डरावना नहीं आ रहा, छुपने वाली कोई बात नहीं है। एक कांचा, ये मेरा कांचा है जिसका सर आज कांचे का कट गया है, मुंडन कराने में सर ने छिल लिया है। बाला कहाँ गया? बाला कहाँ गया? कौन ले गया सर का बाला? कहाँ गया बेटा का? अपने लगा दो क्या? अरे छिलता है भाई इतना। मिला का माता जी का वीडियो गंगा माँ का।